भारत विविधताओं से भरा हुआ एक महान देश जिसकी सभ्यता और संस्कृति ने दी है प्रेरणा समग्र विश्व को, सारी दुनिया को, जहाँ के ऋषि मुनियों ने गणित के शून्य से लेकर अध्यात्म के संपूर्णता का प्रतिपादन किया है। समृद्ध धरोहरों असंख्य आकर्षणों के साथ विश्व में है, दुनिया भर में है, जिसकी साख हमारा भारत अतुल्य भारत। भारत की पश्चिमी सरहद पर सीना ताने खड़ा है हमारा राजस्थान, प्यारा राजस्थान। राजस्थान अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और शौर्य के लिए दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप हो या अजमेर के पृथ्वीराज चौहान हो, जैसलमेर के अभेद्य किले हो या पुष्कर से उदयपुर तक की झीलें हो, यहाँ पर सब कुछ अनोखा और अद्भुत है। तभी तो हमारा प्यारा राजस्थान दुनिया भर में प्यारा और न्यारा राजस्थान है। इसी राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर मखमली धोरों की गोद में बसा है बाड़मेर जिला। जी हाँ, बाड़मेर जिला जो रखता है अपनी विशिष्ट पहचान। इसी बाड़मेर की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है मालाणी की पुण्य प्रतापी वसुंधरा। इसी मालाणी क्षेत्र में स्थित है धर्मनगरी चोटन। जी हाँ, वही चोटन जहाँ पर पांडवों ने किया है तप और तप से किया है इस भूमि को पवित्र। इसी चोटन से महज 12 किलोमीटर स्थित माँ वाकल का भव्य और दिव्य धाम, जहाँ पर अनेक जैन जनेतर बंधु अपनी आस्था का शीश झुकाने आते हैं। चोटन से विरात्रा के मध्य करीब 4 किलोमीटर पर उदीमान होने जा रहा है श्री लब्धिनिदान पार्श्वनाथ मणिधारी तीर्थ। जी हाँ, श्री लब्धिनिदान पार्श्वनाथ मणिधारी तीर्थ, जिसमें मिल रही है गणनायक श्रोमणि श्री सुख सागर जी महाराज साहेब की कृपा दृष्टि एवं परम पूज्य वीर पुत्र श्री जिन आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, परम पूज्य आर्य पुत्र संग स्थवीर श्री जिन उदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, छत्तीसगढ़ विभूषण परम पूज्य खतर कच्छाधिपति श्री जिन महोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, सरल मना परम पूज्य श्री जिन कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन आशीर्वाद से एवं छत्तीसगढ़ श्रृंगार संयम सारथी खड़तर गच्छ सहस्त्राब्दी महोत्सव के प्रेरक सरल स्वभावी परम पूज्य गुरुदेव श्री खड़तर गच्छाचार्य जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की पावन प्रेरणा से। आखिर क्या है लब्धिनिदान? आधुनिकता के कोलाहल से जीवन में स्थान लिया है तनाव और चिंताओं ने, इन चिंताओं से मुक्त कराने वाले सुरम्य वातावरण से व्याप्त है अपना लब्धि निदान। ज्ञान की गंगा, संस्कारों की सरस्वती और जिनत्व की जमुना का पावन त्रिवेणी संगम है अपना लब्धि निदान। मानवों में बढ़ती हुई आधी व्याधि और उपाधि को दूर कर दे, ऐसा है सहज समाधि जैसा अपना लब्धि निदान। जो है पवित्र प्रभु भाग्यवर्धन पार्श्व की करुणामय छाया से, और जो है पुनीत गुरु गौतम और दादा जिन चंद्र की आध्यात्मिक माया से, ऐसा है हमारा अपना लब्धि निदान। ऐसा हमारा लब्धि निदान में प्रस्तावित विविध परियोजनाएं ला रहे हैं आपकी नजर में। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आने वाले अतिथि का करता है जो भव्य सत्कार, घर से दूर किंतु घर जैसा, वो है श्री नाकोड़ा राजमहल। जिन आज्ञा में जैना है जिसका मंत्र, रस्वती भोजन से करता है जो भविकों को संतृप्त, ऐसा है श्री साली भद्र भोजनशाला।
सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र की होगी जहाँ आराधना, स्वयं को पाने की जहाँ होगी साधना, प्रदूषणों से मुक्त प्रकृति की छाया में, ऐसा है श्री जिनेश्वर खड़तर भवन। वस्तुपाल और तेजपाल की शासन भक्ति से जहां होगा परिचय, सात क्षेत्रों में लक्ष्मी के सदुपयोग से होगा जहां पुण्य की अभिवृद्धि, शासन की आन बान शान को चार चांद लगाने वाली आपकी उदारता को मिलेगा एक स्थान, वो है श्री जयवर्धन पार्श्वपेढ़ी। अणहारी पद की भेंट देता श्री मनमोहन पार्श्व भाता ग्रह, प्यासे कंठ को अमृत तुल्य जल से संतुष्ट करता है श्री अमिझरा पार्श्व जलधारा। गौर इस ओर भी आधुनिकता के चका छोंद ने हतप्रभ किया है पशु और पर्यावरण को, वहीं लब्धि निदान जीव दया और पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवंत समाधान प्रेषित करने वाला एक उपक्रम। सुनो, अंत में इतना ही कहना है, पूज्य प्रवर आचार्य श्री की सतत प्रेरणा, समर्पित ट्रस्ट मंडल की कार्य क्षमता से और आप सभी के हस्तमुख उदारता से जब लब्धि निदान नगर नगर द्वार द्वार पहुंचेगा, तब लब्धि निदान तीर्थ लोगों के होठों से बांसुरी बनकर उभरेगा, तब मैत्री करुणा प्रमोद माध्यस्थ शांति समन्वय समता और परमात्मा सहगुरु भक्ति के स्वर पूरा संसार सुनेगा। स्वर लहरियों की माधुर्यता की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला समस्त भव्य जनमानस लब्धि निदान द्वार पर पहुंचेगा, यही मेरी शुभाकांक्षा। श्री लब्धि निदान तीर्थ की पुण्य धरा पर निर्मित होने जा रहे उपक्रमों में अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्य का अर्जन करें, आपका दान जिन शासन की शान। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।